वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। रिजल्ट लाना है जबरदस्त तो पढ़ाई का तरीका भी होना चाहिए मस्त। यहाँ गौर से टॉपिक को देखिएगा। एपी में जो भी आपका कंफ्यूजन होगा एकदम आई गारंटी ये दूर किया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एपी से मल्टीपल चॉइस जबरदस्त क्वेश्चन रहता है, यानी कि भारी नहीं होता है, आपको उलझाने की कोशिश करता है। जबरदस्त आपको रिजल्ट लाना है तो जबरदस्त तरीका से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए एपी में ए डी एन ए एन और एस एन आखिर ये क्या बला है, आखिर ये किस विपत आफत का नाम है, आखिर ये क्यों दिया है। हम लोग तो ये चार ठो पढ़ चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। लेकिन एसएन आपसे पूछता है एसएन का मतलब क्या होता है, या फिर कभी कभी एसएन का जगह एस डायरेक्ट पूछ देता है, ये क्या होता है, गौर से समझिए। आपका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रहेगा, यानी कि अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं, ये गारंटी है। यहां समझिएगा ए किसे कहते हैं। सबसे पहले एपी आप जान चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर लाइन से सजा हो समानांतर क्रम में, यानी कि बीच का जो गैपिंग है ठीक है वो बराबर, देखिए दोनों के बीच में दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, अगर बराबर अंतर है तो एक और नाम उसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। वो वैसे तो ये एपी है क्योंकि बराबर अंतर है, इसमें भी दो का गैपिंग, इसमें भी दो का गैपिंग, तो जो ये गैपिंग है ना इसे कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे कहोगे, सार्व माने होता है सभी, सभी का अंतर अगर बराबर हो तो उसे सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आप देखिए तो जब बीच में कॉमन डिफरेंस है तो उसे डी द्वारा सूचित करते हैं, तो एकरा बीच का अंतर कितना है, चार में से दो जाएगा, दो गो का अंतर है तो डी का मान हो जाता है। अब रहा बात ए क्या है, तो ए तो आप जानते ही हैं, पहला वाला नंबर को ए कहते हैं, तो ए यहां पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक और बात ध्यान से समझिएगा, पहला वाला ये सब ए है, क्या है, सब ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सब अपने अपने जगह पर ए है ठीक है। लेकिन हो क्या जाता है, मेन ए इसको क्यों कहते हैं, ये एक नंबर पे आता है इसीलिए ये फर्स्ट वाले को मेन ए कहते हैं। ये कितने नंबर पे आता है, दो, तो इसे ए टू कहते हैं। ये तीन, तो इसे ए थ्री। ये चार नंबर पे है तो इसे चार नंबर वाला ए कहते हैं। लेकिन यहां देखिए ये तो पता ना है कि कितना नंबर पे, ये तो आठ होगा, दस होगा, ऐसे करते करते नंबर बढ़ गया तो 576 लिखा गया है। तो जब नहीं पता है, ये पता था एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, लेकिन बहुत दूर जाके पता लगेगा कि क्या है, तो नहीं पता रहता है तो यहां एन लिख दे रहे हैं। अब एन के जगह जो भी आएगा जितना नंबर पे वो भर देना है, इसी को हम लोग ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए एन है, ये भी ए का वैल्यू, लेकिन नहीं पता है कि ये कितना नंबर पे है, तो यहां हम क्या लिख दिए हैं, एन लिख दिए हैं। यही एन तो निकाला जाता है कि कितना नंबर पे है, बताइए, सबसे लास्ट में है ना, तो इसे अंतिम पद भी कहते हैं। कौन सा पद, अंतिम पद। आपसे बोल देगा कि अंतिम पद निकालिए, तो क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ए तो निकालना है लेकिन एन नंबर पे क्या है, अंतिम पद उसे कहते हैं। इसे एक और नाम देते हैं, एल द्वारा सूचित कहते हैं। एल माने लास्ट, समझ लीजिए लास्ट वाले को एल बोलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 556, यानी कि लास्ट वाला नंबर है। आपसे हम पूछें कि ए चार कितना है तो बता दीजिएगा, लेकिन पूछें जैसे आपसे पूछे छः कितना नंबर पे है तो तीन नंबर पे, लेकिन ये पूछे कि 576 कितना नंबर पे, बता पाइएगा, नहीं पता है तो ए एन इसको बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये टोटल चारों आप समझ गए होंगे क्या होता है। एन क्या है, तो यही एन है जो लास्ट का संख्या है, और दोनों मिला तो ए एन नंबर पे ये 500 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यहाँ एन आपको निकालना पड़ेगा कितना नंबर पे है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ एस एन का बात करते हैं, पहले जान ले S1, S2, S3 आखिर ये क्या, जैसे A1, A2, A3 है ना, ये वैसे ही समझिएगा। S मतलब होता है सम, क्या होता है, सम, और सम माने होता है योग, सम माने क्या होता है, योग यानी जोड़ना होता है। तो जब S यानी सम, तो S1 लिखा है यानी एक नंबर को जोड़िए, तो बताइए एक नंबर में जोड़िएगा तो कहाँ को जोड़ना है, दो में कहाँ जोड़िएगा ठीक है। अगर आपको S2 लिखा रहा है इसका मतलब दो गो को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये दो गो को जोड़ना पड़ेगा ठीक है। S3, S मतलब जोड़, तीन मतलब तीन गो को जोड़ना है, तो एक दो तीन गो को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि S1 अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे दो ए रह जाएगा, S2 अगर लिखना पड़ेगा तो दो गो को जोड़िए, यानी कि A1 और A2, यही ना है, A1 और A2 को जोड़ा जाता है तो S2 निकलता है। अगर बोल दे S3 की निकालिए तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन गो को जोड़ना पड़ेगा S3 में, तो यहाँ पे कितना को जोड़ना पड़ेगा, A1, A2, A3 को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपसे बोल दे कि S5, 4 निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा,
इस 4 को जोड़ना, 4 को जोड़ दो तो सम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि यहां से 2 से शुरू है अब 556 तक जोड़िए, तो बड़ा आराम से हम लोग क्या कर रहे थे, 4 तक जोड़ना था तो 4 को जोड़ दे रहे थे। अब पते ना है कि यहां पे an लिखा है, ये क गो है, तो जब नहीं पता है तो सबको जोड़ना है तो s लिखते हैं, सबको जोड़ना है तो क्या लिखते हैं, s। लेकिन कितना जोड़ना है ये नहीं पता है, 1, 2, 3, 4, अब बीच में कितना नंबर है 576 तक की पते ना है, तो जब नहीं पता रहता है तो n मानते हैं और वही फॉर्मूला होता है sn निकालते हैं, sn निकालते हैं तो पूरा को जोड़ते हैं, ठीक है। अगर 2 को जोड़ना हो तो s2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का पता है कि 2 को जोड़ना है, लेकिन हमको पता ना है कि ये कितना नंबर है यहां से यहां तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n लिखते हैं और s लगा देते हैं, n तक, n तक ना है जी, तो n तक जोड़िए, इसी को हम लोग कहते हैं sn। इसका फॉर्मूला तो वैसे होता है, बताएंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला इसका होता है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको a पता हो ही गया, a है, बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, तो n, ये an दिया है लास्ट में, तो an का मान निकाल के भरना है तो यहाँ से n निकल जाएगा, ठीक है। जब आप an का वैल्यू निकालिएगा तो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे आपका n फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा, n फाइंड हो जाएगा। वही n यहाँ भर दो, a पता हो ही गया, n निकल ही जाएगा, और d बीच का अंतर है तो सॉल्व कीजिएगा तो आप पूरा का योग निकल जाएगा। तो s समझ गए क्या होता है, s का मतलब जोड़ना है कितने, n संख्या को, टोटल कितना संख्या है, n संख्या है, सबको जोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक हम निकाल के दिखाते हैं, समझिएगा यहां गौर से। सबसे पहले sn का दो गो फार्मूला होता है, एक आप लिख सकते हैं n/2 तो रहेगा, ठीक, और यहां पे होता है 2a + an, ये भी फॉर्मूला होता है। अगर an दिया है, यहाँ an 576 दिया है ना, an दिया है तो डायरेक्टे भर देंगे, और नहीं तो करते क्या है समझिएगा, n/2 बड़ा वाला जो अभी लिखे हैं, यहाँ a लिख दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, यानी यहां तक निकालना है तो a में n-1 × d, ये भी बता चुके हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। अब देखिए an के जगह पर ये फॉर्मूला भर दीजिए, a + n-1 × d, n/2, a के कितना है 2a + n-1 × d, वही तो फॉर्मूला था जो पहले हम लिखे थे, ठीक है, n/2 यही वाला, तो इसी से ये बन जाता है। इसका बस फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर दिए, इसमें भर दिए, ये 2 हो, ये हो गया। अगर ये दिया है तो डायरेक्ट भर दीजिए, अगर n नहीं दिया है तो इसमें भर के निकालिए, ठीक है। तो ये दोनों तरीका से आपका बन जाएगा। एक और बात, कभी कभी यहाँ n हटा करके l भी देता है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि an और l ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कभी कभी an या l, यानी इसको हम लोग l भी कहते हैं और अंतिम पद भी कहते हैं। अगर अंतिम पद भी दिया रहे, लास्ट पद भी दिया रहे, तो उसे an ही कहते हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखिए आप a बराबर पहला वाला नंबर को a कहते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक। d बराबर बीचवा के अंतर को कहते हैं d, और यहाँ पे हमको नहीं पता an पता है, an बराबर दिया है 576, और सबको जोड़ना है, इसे कहने का मतलब sn निकालना है। तो जब sn निकालना है तो एक काम करते हैं, an बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला a + n-1 × d, पहले यहाँ से n निकाल लें, क्या निकाल लें, n, an दिया है 576 बराबर, a कितना दिया है 2 + n-1 × d का मान दिया है, कितना d का मान 2 है, 576 ये हो जाएगा आपका 2 + 2n-2, ये आपका खत्म हो जाएगा, 576 बराबर 2n कटाइएगा तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16 और 2 × 8 = 16, n बराबर 288, यानी कि n का मान कितना आया 288, यहाँ an था ना, जहाँ n है यहाँ क्या हो जाएगा 288, जिस तरह ये 4 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 2 और ये 1, इस तरह ये 288 नंबर पे है, तो यहाँ 288 an। अब निकाल लीजिए सम, सबका जोड़, जैसे इन दो को अगर s2 निकालना हो तो s2 का आंसर कितना होगा, s, यानी जोड़िए कौ को 2 को, 4 × 2 = 6 हो जाएगा। इसी तरह अब क्या करना है, sn निकालना है, यही लास्ट वाला, या फिर s
288 गो को जोड़ना है, दो गो को नहीं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 288 गो है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर से कौ गो है, 288 गो है, सबका जोड़ निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, SN बराबर N बाई टू ए प्लस ए एन, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि सब दिया है। 288 को जोड़ देना है, 288 बटा 2, ए का मान दिया है 2 और प्लस ए एन, यही ना 288 था, 576। ठीक है, कटाइए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 144, ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, ये दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 और 2 8, 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी टोटल इतना है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो और बहुत बड़ा है, बस आपका वही आंसर आ जाएगा, यानी सब को जोड़ने के बाद कितना ये गुणा कर लीजिए उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो शेयर करिए। अब हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5.3 को गौर से देखेंगे, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।